51,832 रुपीज आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है, होता है 5 दिन की ड्यूटी 2 दिन रेस्ट। बताएं महंगाई भत्ता बताएं, उसमें आपका जो है साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है। जो सैलरी देना होता है, सैलरी क्रेडिट करना होता है अकाउंट में, ठीक है, सैलरी वो भी क्या करते हैं कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ही करते हैं। जो क्लर्क होते हैं उनकी पोस्टिंग या तो मीडियम सिटी में होती है, या तो मतलब डिवीजन में होती है, या तो आपका हेडक्वार्टर में होती है। इसका जो ड्यूटी होता है पूरा 100% ऑफिशियली होता है, आपको कहीं भी भाग दौड़ की जिंदगी नहीं होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका प्रमोशन लगता है दोस्तों, तो आप बनते हैं सेक्शन ऑफिसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे में लेवल 5 2800 ग्रेड पे का जॉब है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्लस में इनकी सैलरी कितनी होती है, और आपको ज्वाइन होने के बाद कहाँ पे काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है, ड्यूटी आवर कितनी होती है, हफ्ते में कितने दिन की ड्यूटी होती है, पूरा डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि शायद आप भी रेलवे में जरूर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क बनना चाहते होंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बात करें अगर हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क के बारे में, तो दोस्तों ये रेलवे के अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि दोस्तों लेवल 5 2800 ग्रेड पे का जॉब है। और दोस्तों रेलवे का सबसे प्रतिष्ठित जॉब, मतलब अच्छा माना जाता है इसे, क्योंकि दोस्तों इसका जो ड्यूटी होता है पूरा 100% ऑफिशियली होता है, आपको कहीं भी भाग दौड़ की जिंदगी नहीं होती है। और प्लस में दोस्तों इसमें नो टेंशन वाला काम होता है, बहुत अच्छा जॉब है ये सभी लोगों का नजर में, प्लस में एक्चुअल में होता भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोग सैलरी के बारे में ज्यादा जानने के इच्छुक होते हैं कि अगर हम रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम सैलरी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, फिर दोस्तों हम प्रमोशन होकर कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कितने ऊपर तक जा सकते हैं, कौन से प्रमोशन के लिए हमको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, पूरा इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने। जैसे कि हम दोस्तों अभी अभी बताए आपको कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क है वो लेवल 5 2800 ग्रेड पे का जॉब है। तो दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी दिया जाता है वो 2800 ग्रेड पे के अनुसार जो बेसिक पे दिया जाता है आपको 29,200 रुपीज दिया जाता है। ये दोस्तों आपका बेसिक भी है, इसके अलावा और भी अलाउंस आपको मिलता है दोस्तों, जो कि आप बने रहे वीडियो में, आगे अच्छा डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों जो इसके बाद जो मिलने वाला अलाउंस है वो आपको मिलता है डियरलेस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये जो महंगाई भत्ता है दोस्तों वो साल में 2 बार इसमें इंक्रीमेंट लगती है। आपका जो हो गया एक इंक्रीमेंट है आपका जनवरी में लगती है, एक इंक्रीमेंट आपका जुलाई में लगती है। और दोस्तों जो हम पीछे बेसिक पे बताए 29,200 रुपए, ये भी आपका साल में 1 बार इसमें इंक्रीमेंट लगता है 3% का। जितना भी आपका बेसिक है, मान लीजिए 29,200 है बेसिक, तो 29,200 का आपका 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल। अब दोस्तों ये इंक्रीमेंट लगता कब है, तो दोस्तों देखिए एक इंक्रीमेंट आपका जनवरी में लगता है, ठीक है, मतलब साल में एक ही बार लगेगा। तो या तो आपका जनवरी में लग जाएगा तो फिर जुलाई में नहीं लगेगा, जुलाई में लग जाएगा तो जनवरी में नहीं लगेगा। तो दोस्तों जनवरी में कब लगता है और जुलाई में कब लगता है, तो आपका क्या है कि अगर जो आपका ज्वाइनिंग का, ठीक है, आपका मान लीजिए 2022 में ज्वाइनिंग हुआ और जनवरी तक 6 महीना पूर जाता है, ठीक है, तो 6 महीना पूर जाता है तो अपना आपका जो इंक्रीमेंट है वो जनवरी में ही लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका 6 महीना नहीं पूरा है तो फिर जाके आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा। कहने का मतलब है कि ज्वाइनिंग से आपका 6 महीना जब पूर जाता है जनवरी तक, तो बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट लग जाता है, और अगर नहीं पूरता है तो फिर उसका आगे जो जुलाई में लगता है वहां पे आपका फिर लगेगा। तो यानी कि एक इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है या एक जनवरी में लगता है बेसिक पे में। फिर दोस्तों क्या है कि आपका क्या ये एक ही लगता है, या तो जनवरी में लगेगा या तो जुलाई में लगेगा। लेकिन जो हम आपका डियरनेस अलाउंस बताएं, महंगाई भत्ता बताएं, उसमें आपका जो है साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, एक आपका जनवरी में एक आपका जुलाई में। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपका महंगाई कितना बढ़ा है साल में। अगर ये 4% बढ़ा है तो 4% का इंक्रीमेंट होगा। अभी जो दोस्तों अभी कहा जा रहा है कि जनवरी में 4% का इंक्रीमेंट होगा, अभी जैसे कि दिसंबर 2022 तक 38% था, तो अभी जनवरी में फिर इंक्रीमेंट लगेगा, तो कहा जा रहा है कि 4% बढ़ेगा। तो यानी कि 38 में 4 जोड़ते हैं तो आपका जो
आपका जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो 42% हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगर जो हम जनवरी का एक अनुमानित तौर पे हम डियरनेस अलाउंस निकाले तो आपका बेसिक पे होगा 29,200। तो 29,200 का अगर जो हम निकालते हैं 42% तो आपका आता है दोस्तों 12,264 रुपये, यानी कि दोस्तों 12,264 रुपीज आपको जनवरी 2022 से डियरनेस अलाउंस के रूप में मिलता है अगर जो आप रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क बनते हैं। तो दोस्तों इतना आपको बेसिक बताया, 29,200 प्लस 12,264 रुपीज, इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला मिलने वाला अलाउंस है आपका एचआरए, जो कि दोस्तों एचआरए जो मिलता है, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस महंगाई भत्ता, जो कि दोस्तों एचआरए जो मिलता है वो आपका सिटी के अनुसार मिलता है। या तो एचआरए आपको 9% मिलेगा, या तो 18% मिलेगा, या तो 27% मिलेगा, तीनों में से कोई एक मिलेगा। अब ये डिसाइड कैसे होता है दोस्तों कि आपको कौन सा मिलेगा? तो दोस्तों ये सिटी के अनुसार, छोटे में है तो 9%, मीडियम में है तो 18%, बड़े सिटी में है तो 28%। तो जनरली जो क्या होता है दोस्तों, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो क्लर्क होते हैं उनकी पोस्टिंग या तो मीडियम सिटी में होती है, या तो मतलब डिवीजन में होती है, या तो आपका हेडक्वार्टर में होती है, जो जोनल हेडक्वार्टर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिविजनल और जो जोनल हेडक्वार्टर होते हैं या तो मीडियम सिटी में या तो बड़े सिटी में ही होते हैं, कोई छोटे स्टेशन पे, कोई छोटे शहर में नहीं होते हैं। तो वहां पर कितना भी कम, तो आपका जो एचआरए होने वाला है 18% तो फिक्स है कि आपका होगा ही। तो मान के चलते हैं कि आपका एचआरए होता है 18%। तो दोस्तों 18% जब आपका बेसिक आपका कितना रहेगा जब आप ज्वाइन करते हैं, तो 29,200, तो 29,200 का हम 18% निकालते हैं तो आपका होता है दोस्तों 5,256 रुपये, यानी कि 5,256 रुपीज आपको एचआरए के रूप में मिलता है अगर आप रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क बनते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक और अलाउंस आपको मिलता है जिसका नाम है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये दोस्तों रेलवे आपको ड्यूटी आने जाने में जो भी आपका भाड़ा खर्चा होता है, पेट्रोल खर्चा होता है, उसके लिए रेलवे आपको देती है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों वो महंगाई भत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। वो छोटे शहर में आपका 1800 प्लस 1800 का आपका जितना परसेंटेज चल रहा है महंगाई भत्ता का, जैसे कि मैं 42% लिया है जनवरी 2023 के लिए, तो 1800 प्लस 1800 का 42% आपको मिलेगा आपका मतलब छोटे शहर के लिए, ठीक है। लेकिन आपका पोस्टिंग अगर जी बिग सिटी में है तो उसका बेसिक होता है 3600 प्लस 3600 का 42% आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिलेगा। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क होते हैं उनकी पोस्टिंग तो बड़े सिटी में ही होती है, यानी कि दोस्तों आपका जो अनुमानित है वो आपका 3600 प्लस 3600 का 42% आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो दोस्तों 3600 प्लस 3600 का 42% हम निकालते हैं तो आपका होता है दोस्तों 5,112 रुपीज, यानी कि 5,112 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिलता है अगर आप रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं और आपकी पोस्टिंग बड़े सिटी में होती है। तो दोस्तों इतना जो अलाउंस है आपका बेसिक सैलरी के अलावा आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क को मिलता है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि और जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनका और भी अलाउंस मिलता है दोस्तों, जैसे कि आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। तो ये सब अलाउंस दोस्तों जो मतलब कहीं जो सफर कर करके जो ड्यूटी करते हैं, ठीक है, उनका फील्ड ड्यूटी होता है, उन लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क जो होते हैं दोस्तों उनकी ड्यूटी पूरी 100% ऑफिशियल है, कहीं भी आपको भाग दौड़ नहीं करना है, इसीलिए आपको इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है। प्लस में इसमें नाइट ड्यूटी भी आपकी नहीं लगती है, आपको केवल डे में ड्यूटी करना है, वो भी दोस्तों आपका जो है 9 से लेकर 5 ड्यूटी रहेगा आपका, प्योर 100% एकदम ऑफिशियल ड्यूटी है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपका हफ्ते में 5 दिन की ड्यूटी होती है, 2 दिन आपकी छुट्टी होती है, ये दोस्तों रूल है, जिसका मतलब ऑफिस का ड्यूटी होता है वो जनरली ऐसे ही चलता है, ठीक है, वो जो होता है 5 दिन की ड्यूटी 2 दिन रेस्ट। तो दोस्तों 2 दिन आप हफ्ते में कहीं भी जा सकते हैं, मतलब जो एक प्रकार से जो सीजीएल में होता है ना दोस्तों, सीजीएल में आप सुने होंगे, सीजीएल में जो जाते हैं आपका चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा पोस्ट होता है, उन लोग का जैसा जॉब होता है उसी टाइप से रेलवे में ये जॉब है, यानी कि सीजीएल का बराबर ये जॉब कर सकता है, मतलब सीजीएल का जो जॉब होता है पूरा ऑफिशियल होता है, तो ये भी जॉब पूरा ऑफिशियल है, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है। तो यहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब आपको नहीं दिया जाता है, क्योंकि 100% ऑफिशियल है। तो दोस्तों ये सब जितना भी हम सैलरी बताए, बेसिक सैलरी आपको बताए, आपका हाउस रेंट अलाउंस बताए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बताए, आपका डियरनेस अलाउंस बताए, महंगाई भत्ता बताए, इन सबों को दोस्तों हम ऐड करते हैं तो आपकी सैलरी टोटल हो जाती है दोस्तों
जो कि जनवरी 2023 के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी दोस्तों 51,832 रुपए। यानी कि दोस्तों आप जब रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं तो आपको दोस्तों 51,832 रुपीज आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है। अब दोस्तों इसमें कटौती कितना होता है, तो दोस्तों मैं कटौती आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका एनपीएस जो कटेगा, अगर जो मान लीजिए आप एनपीएस अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों आप एनपीएस एक्टिवेट करवाते हैं तो आपका दोस्तों जो बेसिक प्लस जो डीए है उसका 10% आपका कटेगा, प्लस में 2,250 रुपए और कटते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट काटती है अपना, जिस स्टेट में आपकी ड्यूटी लगेगी, आपका जो जोन है, आपका जो डिवीजन है, जिस स्टेट में आता होगा उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है 200 रुपए प्लस और भी कुछ 40-50 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस काटती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो बेसिक प्लस डीए का आपका जो 10% होगा, आपका लगभग 10% होता है 4,146 रुपए जनवरी, मैं ये जनवरी 2023 के अनुसार बता रहा हूँ अनुमानित। तो दोस्तों 4,146 प्लस में इसमें आप 250 रुपए और ऐड करते हैं तो आपका हो जाता है 4,396 रुपए। यानी कि दोस्तों मान के चलिए कि मोटा मोटी आपका 4,500 रुपए कट जाएगा। तो 4,500 रुपए कटने के बाद दोस्तों आपका जो इनहैंड सैलरी मिलेगा दोस्तों 43,332 रुपए। यानी कि दोस्तों आप रेलवे में अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क बनते हैं तो आपको इनहैंड सैलरी जो बनेगा आफ्टर कटिंग मतलब कटौती के बाद आपको 47,500 रुपए लगभग आपको अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये जो सैलरी है दोस्तों इसमें थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको अनुमानित बताया हूं, जो कि मतलब लगभग क्या है कि आपको 99% सही होगा, क्योंकि दोस्तों एक चीज पर असर पड़ सकता है वो डीए जो मैं बताया 42%, लेकिन ये भी मैं 99% कह सकता हूं कि 4% बढ़ने वाला है डीए, अभी 38 है, 42% होगा जनवरी 2022 में। और दोस्तों जनवरी 2022 में 42% हो जाएगा, कंफर्म है 99%। तो अगर दोस्तों डीए 42% रहा 42%, तो कंफर्म है कि आपकी सैलरी इतना बनेगी, 47,500 के लगभग आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होंगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि अगर आप रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनते हैं तो आपकी कहाँ पे ड्यूटी लगेगी, क्या काम करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों, आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिए। तो अगर आप रेलवे में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपकी पोस्टिंग दोस्तों या तो जो जोन का हेडक्वार्टर है वहां पे हो सकता है, जोनल हेडक्वार्टर में, या तो जो डिवीजन का हेडक्वार्टर होता है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या तो दोस्तों आपका जो मिनिस्ट्रियल जो ऑफिस होता है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या तो दोस्तों आपका जो प्रोडक्शन यूनिट का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको मैं प्रोडक्शन यूनिट का जो हब है मैं उसको थोड़ा आपको बताना चाहूंगा रेलवे का। तो दोस्तों आपकी जो पोस्टिंग है या तो रेलवे कोच फैक्ट्री जो रायबरेली है वहां पे हो सकती है, ठीक है, आपका जो चित्रंजन लोकोमोटिव है वेस्ट बंगाल वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बनारस लोकोमोटिव है यूपी में वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, फिर व्हील एंड एक्सल पैरमपुर है वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि वहां पर जाके जब हमारी पोस्टिंग होती है तो काम क्या करना पड़ेगा, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको बताए दोस्तों कि ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का जॉब है, तो फाइनेंस का मतलब दोस्तों आपको तो अंदाज लग ही गया होगा कि ये पैसे से रिलेटेड काम है आपका। तो दोस्तों रेलवे का जितना भी आय व्यय का जो हिसाब किताब करना होता है, खर्चा का मतलब पैसा का, वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को करना होता है। तो दोस्तों रेलवे का मतलब जो भी मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हो रहा है उसमें कितना आपका पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है, आपका जो मालगाड़ी का जो कितना ढुलाई हो रहा है तो उससे हमारा कितना इनकम हो रहा है, ये सब जितना भी होता है दोस्तों वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पास डाटा होता है। फिर दोस्तों कि आपका जो सैलरी देना होता है, सैलरी क्रेडिट करना होता है अकाउंट में, ठीक है, सैलरी वो भी क्या करते हैं कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ही करते हैं। तो रेलवे में जितने भी नए नए निर्माण कार्य होते हैं वहां पे भी कितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका भी हिसाब किताब दोस्तों, प्लस में उनको जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं उनका पैसे की भुगतान करना, ये सब जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ही करते हैं अपने जो ऑफिसर होते हैं उनके ऑर्डर पे। और दोस्तों रेलवे का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना मतलब कितना पैसा हमें आमदनी हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, पूरा जो आय व्यय का जो खर्चा होता है दोस्तों, मतलब आय व्यय का जितना भी हिसाब होता है वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क के पास होता है। प्लस में जितना रेलवे का जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देने का काम भी वही करते हैं अपने सीनियर के ऑर्डर से। आपका दोस्तों मान लीजिए कहीं रेलवे का कोई संपत्ति पड़ा हुआ है, स्क्रैप माल जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है रेलवे का पुराना, ठीक है, तो वो सबको आपको पता होगा कि रेलवे उसको बेचती है, उसको पैसा मतलब फिर से उसको मतलब पैसा के रूप में उसको कन्वर्ट करती है बेच के। तो उसका जो भी जितना भी हिसाब किताब होता है दोस्तों वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास ही होता है, कितना पैसा आया उससे, ठीक है। प्लस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो भी जांच करने जाते हैं, जैसे कि बाकी जो हिसाब किताब होता है वो दूसरे मतलब वो तो उसको हैंडल तो दूसरे लोग करते हैं, ठीक है, सामान का, तो उस डिपार्टमेंट को जांच करता है कि कहीं इन लोग
कहीं लोग मतलब कुछ मतलब अपने फायदे के लिए कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, करप्शन तो नहीं हो रहा है पैसे के मामले में। पूरा जो जांच पड़ताल होता है वो जितना भी सबका हिसाब किताब होता है वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के हाथ में होता है। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है कि जितना भी जो रेलवे का जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर क्या है कि आपकी नजर होती है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों देखा जाती है जॉब जो है दोस्तों रेलवे का काफी अच्छा जॉब है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क। इसमें आप दोस्तों बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है एकदम। आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, आपकी ड्यूटी जो होती है हफ्ते में 5 दिन की होती है, 2 दिन आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में सबसे पहले जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के रूप में ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका प्रमोशन लगता है दोस्तों तो आप बनते हैं सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो दोस्तों जो कि लगभग 3-4 साल के बाद आदमी सेक्शन ऑफिसर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो 4200 ग्रेड पे का जॉब है। आप 2800 ग्रेड पे शुरू में ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट प्रमोशन आपकी लगती है तो आप बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, जो कि दोस्तों 4200 ग्रेड पे का जॉब है लेवल 6, जो कि दोस्तों हम लोग का बराबर है, हम लोग अभी 4200 ग्रेड पे में आते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं दोस्तों सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो कि दोस्तों लेवल 7 का जॉब है, 4600 ग्रेड पे का जॉब है। तो दोस्तों यहां तक जो है सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक आपका नॉर्मली प्रमोशन होता है बिना एग्जाम का। लेकिन दोस्तों इससे ऊपर अगर जो आपको जाना है तो अगर जो आपका सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक जाते जाते मिनिमम सर्विस अगर जो आपका 5 साल हो जाता है, इसके बाद दोस्तों आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद ही इससे ऊपर आप जा सकते हैं। बिना एग्जाम पास किए आप नहीं जा सकते हैं, आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर में ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन आप एग्जाम पास कर सकते हैं तो काफी ऊपर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो आप बनते हैं ADFM, यानी कि दोस्तों असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों लेवल 9 का जॉब है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपकी प्रमोशन होती है तो आप बनते हैं DFM, फिर ऊपर नॉर्मली प्रमोशन होता है। एक बार आप एग्जाम देके ADFM बन गए तो उसके बाद फिर नीचे जैसे प्रमोशन होता है वैसे ऊपर ही होगा। तो आप दोस्तों ADFM के बाद आप बनते हैं DFM डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, जो कि दोस्तों लेवल 11 का जॉब है, लेवल 11 का जॉब है। इसके बाद दोस्तों आप बनते हैं सीनियर DFM, जो कि दोस्तों लेवल 12 का जॉब है, मतलब पूरे डिवीजन का जो आपका जो डिपार्टमेंट है अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो पूरे डिवीजन का सबसे हेड होता है सीनियर DFM डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, जो कि दोस्तों लेवल 12 में आते हैं और इनको दोस्तों 3-4 साल बाद लेवल 13 में ये चले जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से आपकी प्रमोशन होती है। और दोस्तों जो जहां से आपका ADFM स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं ADFM हुआ, DFM हुआ, सीनियर DFM हुआ, ये जो पोस्ट है दोस्तों वो गेजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट है। और जो नीचे जो पोस्ट है 3 पोस्ट आपका आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, आपका सेक्शन ऑफिसर हो गया, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, ये सुपरवाइजर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऊपर का जो जितना भी पोस्ट है वो गेजेटेड ऑफिसर्स का पोस्ट है। तो जो आपको गेजेटेड ऑफिसर्स बनने के लिए दोस्तों आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस टाइप से था आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों का जो हमारा जो ये वीडियो है आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर कुछ भी मतलब छूट गया हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें, हम बताने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।